मम्मी पिनो मिल गई, मिल गई केस चिट्ठी। मम्मी पिनो मिल गई, प्लीज जल्दी आ जल्दी। क्या मम्मी पिनो मिल गई? शरबत लेकर आ ननी खाला के लिए, मम्मी पिनो मिल गई। अब क्या हो गया मम्मी पिनो, क्या हो गया? ओ लड़के, हमसे ज्यादा चिल्लाओ मत, शोर पसंद नहीं है मुझे। और लड़का नहीं है ना, राजा अपना शहजादा। और मुझे ये बताओ कि कब तक तूने मेरे से नाराज रहना है? भाई साहब, आप हमसे ज्यादा फ्री मत हो, वरना मैं हैदराबाद में एक फोन करूंगी ना, सारा खानदान आ जाएगा लतीफाबाद से। अमी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अमीन के साथ जाऊंगी। नहीं नहीं, ये फैसला मैंने अपनी पूरी दिल की रजामंदी के साथ किया है। कभी कभी ऐसा होता है अम्मी, के कोई आपको एक बात इतने आसान और सीधे लफ्जों में समझा देता है कि सीधे आपके दिल में उतर आती है। कौन समझा सकता है? मेरी बाजी इरशाद। मेरे लिए उन्होंने फैसला बहुत आसान कर दिया है। आप सेटल डाउन भी हो ही जाएंगे। भाईजान, आपने हमारी वालदा को कहीं देखा है? बिल्कुल ऐसी ही थी वो, हूबहू यही शक्ल थी। ये तो कल हमारे पास आई थी, और इनके साथ तो दो औरतें और तीन आदमी भी थे, मगर ये उनके साथ जाना नहीं चाह रही थी, वो जबरदस्ती लेके गए इनको। मैं तो समझा था कि अगवा हो गई हैं। चलें, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी वालदा बच गई अगवा होने से। क्या क्या अगवा? हमारी वालदा अगवा हो गई? तो फिर ये कौन है? ये हमारी वालदा नहीं है, लेकिन वालदा जैसी है। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि वो जाना नहीं चाह रही थी, मगर वो जबरदस्ती लेके गए उनको अपने साथ। लगता है परवीन। क्या? चलाओ। मेरे रात को भी पठा। असली रोटी चटनी हुआ क्या? ये बजी है खानों के नाम ने खाई भी कुछ सब आते मांग। खुदा जा ना कहते मम्मी। मम्मी उर्दू हो बन जा, हम हमें जाना, हमें धूम मर गए। मम्मी पीनो कोट अजीब अजीब काम कर इस और डा इनके हो जाएगी। अब है ना खुद मेरी गाल ना करे पे ना जाना पड़े ये बच्ची। चल बोल रही है ना वो लिया की प्लानिंग कर अमीर है।
तो तुम उसको मना भी तो कर सकती थी ना। उसे ना तो मेरी कोई राय दरकार है ना ही मशवरा। तो अपना ठीक है तो मीन के साथ करने ऐसी बातें कर रहे तुम्हारा साथ होगी उनकी से इतनी जल्दी में मैं भी तक मिली नहीं। छोड़ तू बैठ मिल गई मम्मी पीनो डंड हो गई की मान रही मतलब जो तुम बता दे नहीं वो मैं जिन चढ़ जो सब तुझे मनाने के लिए कुछ नहीं ढूंढ यानी तो ये सब कुछ शादी के लिए करें मेरी शादी ठीक बेटा दुनिया की किसी मेरी किस देख जोजफ उसे इस तरह का बेहुदा मजाक मत किया कर। मजाक वाली क्या बात है अब नहीं हुई चीज़ से होगी ना ऐसा नहीं होने देख मान ले हाँ सिर्फ के साथ और अगर दस्ती की मैं चला जाऊंगा लड़का क्या करूंगा टीमें ऐसी उसी से खड़ी कर हमारे लिए लड़का उसे कोई
रही है ना। मैं तो ये इसका क्या कार कार के सब टूटा उसमें पड़ी है कर रही है दो है हमारी वालदा अगवा हो गई है, उसी की एफआईआर दर्ज करवाने आए हम। क्या बताओ? उम्र 55 साल। शकल सूरत कैद? बिल्कुल ऐसी थी जी। क्या मतलब? हूबहू यही सूरत, यही कद काठ, यही आवाज, आप समझिए ये बस वही है। अकरम इधर आओ, ले जाओ इनको, बंद करो, थाने में आके माहौल करते हैं। अरे सर हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारी वालदा अगवा हो गई है। माँ को साथ लेके आते और कहते हो अगवा हो गई है? हुजूर मेरा यकीन कीजिए, ये हमारी वालदा नहीं है, लेकिन इनकी शक्ल हूबहू हमारी वालदा से मिलती है। हमारी वालदा तो अगवा हो गई है। ये तेरी वालदा की बहन है? नहीं। तो फिर कौन है भाई ये? पता नहीं। अकरम ले जाओ यार इनको, सुबह सुबह आके दिमाग खराब करते हैं। ओ मेरी बात सुन खबरदार, जो तूने मेरे बच्चों को मारा तो शर्म नहीं आती? चल बेकार से चल, तेरे जो बड़े देखे ने उनको कह रहे तुम्हारी मां नहीं है ये। उधर दफा हो यार। अबू ये आपका जूस। थैंक यू बेटा। अब्बू वो आपको बताना था कि मेरी और आलिया की इमिग्रेशन अप्रूव हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो? यहाँ किस चीज की कमी है तुम्हें? यहाँ जायदाद है, घर है, खानदान है। अब्बू यहाँ आईटी की फील्ड में मेरा ज्यादा स्कोप नहीं, वहां मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती। वहां जाकर 2% की नौकरी करोगे? यहाँ बाप दादा की जायदाद है, इसे संभालो। मुझे सिर्फ
नहर वाली जमीन से इतनी आमदनी होती है कि साल भर का खर्चा चलता रहता। अब्बू वो आमदन आपको होती है, मुझे नहीं, और मुझे अपनी जगह खुद बनानी। मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। लेकिन अब्बू एक बात मैं आज आपसे साफ साफ करना चाहूंगा, आज तक आपने कभी हमें बताया ही नहीं कि हमारी कितनी जायदाद है, कहाँ है, उसकी वैल्यू कितनी है या उससे हमें कितनी आमदन आती है। और वैसे भी हर कोई आपकी जायदाद के पीछे, मुझे उस लाइन में नहीं लगने आते। मैं रिजवान से कहता हूँ आपका नाश्ता बना दे। मेरे पास क्यों नहीं हो सकती, लोग बिरयानी खा लेते हैं तो न्यूज ब्रेक हो जाती है। मैं तो आपको बताने लगी हूँ कि एक्सप्रेस टीवी पे नया ड्रामा कौन सा आ रहा है, शानदार शाकर। अरे ना शिदमाया ना करें आप, अपना नाम बताएं और ड्रामे की तफसीलात बताएं। छोटे मियाँ, बुध और जुमेरात 9:05 पे एक्सप्रेस टीवी पर। तेरे अलग ज्यादा अच्छा है एक्सप्रेस टीवी। अस्सलाम वालेकुम अप्पा जान, कैसी हैं? खाला जान, अम्मी अगवा हो गई हैं। ये क्या कह रही है मेरी बच्ची? जी खाला जान। ये कौन है फिर? ये एक मुसाफिर खातून है, गलती से हमारे घर पर आ गई है। ये तो हूबहू अप्पा जान जैसी है, कोई इनके मुखालते में आपा जान को तो नहीं लेके चले गए? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपा जान कहाँ से अगवा हुई थी? बाजार से। बाजार गई थी, मैं से कोई उठा के ले गया उसको। तो फिर चलो चल के पता करते हैं। मैं बाजार नहीं जा सकती, आप तो जानती हैं। हाँ हाँ, वो क्यों, तुझे भी अगवा होने का डर है? नहीं नहीं, बस थोड़ा मसला है। तो फिर बहन आप चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ, मुझे तो राय नहीं आते यहाँ के। खाला जान अब शाम में भाई आएंगे तो ही मुमकिन होगा बाजार जाना। तो फिर तब तक इंतजार करते हैं। हाँ पीनो डाले, ये फरमाइए। मैंने कहा मेरी तरफ देख, मुझे पछाड़ने की कोशिश कर, मैं तेरा दिलगीर बूटा। बूटा नहीं, तू सूखा हुआ पौधा है। सूखा हुआ पौधा नहीं हूँ मैं तेरा मजनू हूँ, तू मेरी लैला है, मैं हूँ मजनू तेरा और तू है लैला मेरी। भाई साहब कितने पैसे लेंगे मेरा पीछा छोड़ने के, ये बता दें। कमाल बातें कर रही है, जब भी बात करती है पीछा छोड़ने के पैसे देने की बात करती है। बड़ी तू करोड़पति सैकड़ों की थी है ना, आपको शर्म नहीं आती गैर महरम से बातें करते हुए? वो गैर महरम किधर से हो गया? लोगो मुझे बचाना, बचाओ बचाओ लोगो, मेरे खदाया लोगों को बुला रही है, पता नहीं क्यों बुला रही है, मुझे पहचान ही नहीं रही मैं इसका काम है। तुम्हें सजाया मैं इसका कसम, इसको यकीन दिला सजाया मैं इसका कसम, सजाया मैं कसम, सजाया
बाजी क्या मैं आपको बताऊं, क्या क्या बताऊं, मम्मी तीनों का ना तो बिल्कुल दिमाग ही उड़ गया। नहीं बेटा और अबे बूटे, अबे बूटे का तो पहले दिमाग खराब था, अब वो बेचारा उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करता है, हत्ते से नहीं उखड़ जाती। भूल गई है बाजी सारा कुछ, बिल्कुल ही भूल गई है, मार मार के दूल्हा बना देती है गरीब। ऐसे हमारा कंधा जो है ना अजीब सही है। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम, कहाँ थी तुम इतने दिन? वो अजी साहब मुझे ना खोता काट गया था, मैं बीमार हो गई थी बहुत। खोते को कोई अच्छी चीज नहीं मिली काटने को? मेरा मतलब है कि इसीलिए तुमने उस बेवकूफ अहमक लड़की को भेज दिया था। ऐसा मैंने तो कहा कि काम का हर्ज नहीं होना चाहिए ना, वो फिर आलिया बाजी बेचारी क्या क्या करती, तो बच्ची है उसे गलतियां हो जाती हैं। अब ख्याल रखना, अगर यहाँ काम करना है ना तो रेगुलर आना है, नहीं तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। जी सर। शुक्र निकाल दूंगा, यानी निकाला नहीं। आप भी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको तो कोई तसल्ली देने का भी फायदा नहीं है। बाजी इसका क्या मतलब होता है? ऑप्टिमिस्टिक जो आप हैं। ऑप्टिमिस्टिक? हाँ जो आप हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब बाजी इरशाद। बाजी इरशाद ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक। मम्मी बहनो अब मैं तेरे कौन से वाले बाल बनाऊं? जैसे तुम्हारा दिल चाहता है बना दो। जूड़ा बनाओ। हाँ जूड़ा बना दो। चुटिया खोल। हाँ हाय, तुझे इसके जूड़े की पड़ी हुई है, मुझे ब्याह से जाना है, मुझे तैयार कर पहले। अभी मैंने मम्मी पीने के बाल ही बनाने हैं, प्यारा सा मेकअप भी करना है ना। है तो तुम्हें एक काम करना, तू इसको ना फिल्म भी करा दे। भाभी मीदा ऐसा तो ना कहे, अगर मेरे होने का फायदा मेरी मम्मी बिना पे ना हो तो क्या फायदा। हाँ है, तुझे तो अपने काम से फायदा नहीं पहुंचता, तो किसी और को क्या पहुंचना हैगा। बस कर दे पापी मीदा, हुआ तो है फायदा, बार जीता है मैंने, मैं पैसे से जहेज भी खरीदूंगी। हाँ है, कैसा जहेज है? तेरी सास तो रिश्ता तोड़ रही है। नहीं तो? तोड़ रही है। नहीं तोड़ेगी। तोड़ेगी? किसने कहा? ये नन्नी खाला ने मुझे बताया है। झूठ बोलती नन्नी खाला। अच्छा तुझे जोसेफ ने कुछ नहीं बताया? अच्छा है, अचानक एक दिन ना तेरी सास वो अंगूठी लेकर आएगी और तेरे मुंह तो मारेगी। मैंने पहले भी दसिया था तेरा रिश्ता टूटेगा टूटेगा टूटेगा। या अल्लाह इलाही, क्या बोली तू? या अल्लाह रहम। हम दोनों तो दोस्त है ना, चला किकली डालूंगी, दिल से डालूंगी चला। नहीं किकली नहीं। अच्छा याद आया, मैं तुझे ना डांस करके दिखाती हूँ। या अल्लाह रहम करना ना, मैं सोचा नहीं ले पुलिस पर आते। अच्छा सॉरी ना, अच्छा सॉरी। देख डाल तू, जलाल तू, आई बला को डाल तू, दिल से डांस कर। हस लल्ला लल्ले की तलवार। आपने बुलाया अब्बू? हाँ बेटा, ये मेरी सारी मौरूसी जायदाद के कागजात हैं, ये रखो अपने पास, इन्हें पढ़ो ताकि तुम्हें ये गिला ना हो, ये शिकायत ना हो कि मैं तुम लोगों से अपनी दौलत या अपनी जायदाद छुपा रहा हूं। अब इस सब की जरूरत नहीं है, अब
मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं अपने पांव पे खुद खड़ा हूं। मैं एक जमींदार बन के या ये सारी जायदाद लेके क्या करूंगा आपको? मुझे आईटी की दुनिया में अपना नाम बनाना है, आईटी की दुनिया में बहुत आगे जाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ चाहिए, आपको सिर्फ आपकी दुआ। कि मम्मी पीनो को तांगना किया कर, क्या हालत कर दी है बेचारी की। मैंने थोड़ी कुछ किया है, वो तो जिन ने किया है। मम्मी पीनो अब क्या हाल है तेरा है? अरे भाई हम मम्मी पीनो नहीं हैं, हमें किसी तरह घर पहुंचा दीजिए, हम मुगल खानदान के चश्मो चराग हैं। ओ बच्चे घोर कोई तुम होर कोई, मैं ते समझ ही नहीं पा रहा कि बच्चे तेरे कोई और है तो तेरा मियां भी कोई और है और तू मेरी पीनो है। मैं तेरा खसम खसम। तुर फिटे मुंह तेरे चिन का, उसे सिर्फ खापी डालनी आती है। इतना नहीं किया कि मम्मी पीनो को ठीक ही कर जाए। मम्मी पीनो? अरे भाई हम मम्मी पीनो नहीं है, हमें किसी तरह घर पहुंचा दीजिए, हम मुगल खानदान के चश्मो चराग है। तू मुगल खानदान की चश्मो चला रहे, इधर शुगल खानदान का सरबराह है। आ बेवकूफे तू पीनो है मेरी, और मेरी गल सुन। और पीनो डार्लिंग तू जो है ना वो मेरे घर की मोमबत्ती है, बल्कि मोमबत्ती नहीं तू मेरे घर की लालटेन, लालटेन भी नहीं, तू वड्डा फनूस है जो कल्ला ही कार में काफी होता। अरे भाई साहब हमारा पीछे छोड़ दीजिए, एक भी फोन लगा दिया ना बब्बन भाई को, आपको ऐसा चबा चबा के मारेंगे मैं क्या बतलाऊं आपको। मीनू तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं केड़ा भरा नुमा सप वड़ गया, हर बंदा इन भरा भरा भाई साहब भाई साहब भाई साहब। और गल सुन, ए बब्बन शब्बन का रोब मुझे ना देना, मैं ना तेरे बब्बन को ऐसा कसुन मारूंगा उसकी थुनिया सेक लूंगा मैं। अस्तगफुरुल्लाह मैं क्या करूं, हमारा घर हमें कौन दिखाएगा, हम यहाँ बिखर गए बिछड़ गए, कहाँ जाएं हम। रोज नवी मुसीबत आ जाती इधर तो। या अल्लाह मुझ पर रहम करना, हम बहुत परेशान। हाय बहुत परेशान, इस तो वड्डा खुदावन ने की तेरे ते रहम करना कि तेनू एडा हसीन नौजवान खावन दे छड़िया इस उम्र दे विच। मैं कितनी बार देख रही अंधेरे में नजर ही नहीं आते। हां तो तू रोशनी ला के देख ना, मेरा तो मुंह ही वैसे एचएमआई के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे पास है आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे पास क्यों नहीं हो सकती, लोग बिरयानी खा लेते हैं तो न्यूज ब्रेक हो जाती है। मैं तो आपको बताने लगी हूँ कि एक्सप्रेस टीवी पे नया ड्रामा कौन सा आ रहा है, शानदार शाकर। नहीं ना शिकमाया ना करें, आप अपना नाम बताएं और ड्रामे की तफसीलात बताएं। छोटे मियाँ बुध और जुमेरात 9:05 पे एक्सप्रेस टीवी पर। मेरे वाला ज्यादा अच्छा है एक्सप्रेस टीवी। अरे अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, सुबह से तुम लोगों के इंतजार में बैठी हुई थी। बस खाला जान कुछ ना पूछिए, सुबह से सारा दिन अम्मी जान की तलाश में गुजर गया। आपा जान की तलाश में तो जाना चाहती हूँ, कोई इनके मुखालते में आपा जान को लेके चला गया। चलो बाजार में वहीं चलकर पता करते हैं जहाँ से आपा जान अगवा हुई है। उस बाजार में तो हमने अच्छी तरह पूछ लिया है, अम्मी जान का कहीं पता ही नहीं चलता। अच्छा तो फिर इनको साथ लेके चलते हैं, लोगों को दिखाकर उनसे पूछते हैं। ये आइडिया बुरा नहीं है भैया, चले फिर ये भी कोशिश करके देख लेते हैं। खाला जान आप तैयार हो जाएं। हाँ पुत्र मैं खुद तुम्हारी मां को लब के आना चाहनी है, जरा तुसी छेती सा चा सड़ूक लो। हाँ अबू मैं आपके लिए चाय लेकर ही आ रही थी, यहाँ पियेंगे या कमरे में ला दूं? नहीं बेटा चाय पीने को जी नहीं चाह रहा। आप तो मैं कॉफी बना दूं या फिर जूस? हाँ जूस पीऊंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी मैं वॉक करने को मेरा दिल चाह रहा है, सुबह वॉक नहीं की थी ना। अबू आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। अच्छा
दवा का टाइम हो गया, मुझे याद ही नहीं रहा। जी तो आप अभी मेडिसिन लेंगे, पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर वॉक पे जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, जाओ तुम मेडिसिन ले आओ। मैं मेडिसिन लेकर आऊँ कमरे से? अच्छा बेटा ऐसा करो, ये चाय मुझे दे जाओ और दवा ले आओ, मैं इसी के साथ खा लेता हूँ। जाओ जीती रहो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई हम एक दो दिन से मुसलसल अपनी अम्मी को ढूंढ रहे हैं, आपने क्या उन्हें कहीं देखा है? कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास उनकी? हमारी वालदा बिल्कुल इनकी शक्ल जैसी है। आहो आहो, ये तो परवीन खाला है, मेरी बहन के पड़ोस में रहती है। तेरी केड़ी बहन है? नन्नी। नन्नी दा भरा है? बड़िया गल्ला बनांदी तेरी भैन ना, बड़ी चलाक है। वेख मुझे पहचान गए, मैं पीनो। मगर आपको तो कराची होना चाहिए था। कल जो कराची गई है वो आपकी वालदा है और ये परवीन खाला है। ए जबरा जमैट्री दा सवाल दसन दिया, दफा करो, मेरा नाम पीनो जे मैं पीनो हाँ। नहीं नहीं यार, क्या वो परवीन खाला है ये आपकी वालदा? ये परवीन खाला है वो आपकी वालदा है? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ मिक्स हो गया है। भाई जान हमें सब समझ में आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो भाई, हमारी अम्मी मिल गई। खाला अम्मी मिल गई, मुबारक हो भाई। चलो फिर आप अबू आप अंदर आ जाइए, बाहर सर्दी बढ़ रही है, आपको ठंड ना लग जाए। आओ बैठो। शॉल ओढ़ लीजिए। बैठो। देखो बेटा, तुम कनाडा जाना चाहते हो जरूर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बल्कि अगर तुम्हें कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश समझो, शर्त समझो, जो मर्जी समझो। अब आप हुक्म कीजिए। देखो बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, राबे और नाजिया दूसरे शहरों में हैं, मैं यहां तन्हा नहीं रह सकता। अबू मैं जानता हूं, इसीलिए आपसे गुजारिश की थी कि प्लीज आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो फिर बताइए मेरे लिए क्या होगा? बेटा मैं ये चाहता हूं कि तुम आलिया को यहां मेरे पास छोड़ दो। अबू आलिया यहां कैसे? अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मैं हर 3 महीने के बाद आलिया को तुम्हारे पास भिजवा दिया करूंगा, तुम खुद आते जाते रहना, मिल लिया करना। तुम टिकट्स की परवाह मत करो, वो सब मैं दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक है, सोच लो, वरना ये बूढ़ा बाप क्या कर सकता है। खाला आप कराची में कहाँ रहती हैं? हसन स्क्वायर के पास ना, ईसा नगरी, उसमें रहती हूँ मैं। अगर हम आपको ईसा नगरी तक ले जाएं तो आप अपने घर पहुंच जाएंगी? हाँ पुत्र, वो माइकल जुवेद का कार है ना, मेरे कजन का, तो मैं उससे पूछ के ना अपने घर तक चले जाऊंगी। बस फिर अभी तो रात हो चुकी है, तो मेरी प्यारी खाला जान आप अभी आप सो जाएं, आराम करें।
सुबह होते ही हम लोग आपको कराची ले जाएंगे। ठीक, बस तो फिर ठीक है, वहाँ से हम अपनी अम्मी जान को भी ले आएंगे और खाला को वहाँ छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो अभी मैं फिर सो जाती। जी खाला, आप खाला को ले जाएं, सुला दें। रात वाले चाय ना पिया करो, नींदर नहीं आती। वो खाला आदत हो गई हमें तो। हमारा तो वो हिसाब है, पान भी खाते है चाय भी पीते है फिर भी खुशकी नहीं जाती है ना। अमीन, अचानक कैसे प्लान बना दिया ड्राइव का? एक्चुअली आलिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। करो। देखो आलिया, प्लीज गुस्सा मत करना या मेरी बात को गलत मत समझना। दरअसल अब्बू ये चाहते हैं कि मैं कनाडा अकेला जाऊं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बू की ख्वाहिश है कि तुम उनके पास पाकिस्तान में रहो। आलिया, अब्बू की हालत तुम्हारे सामने है, वो बूढ़े हैं, बीमार हैं। अब इस हाल में उनको अकेले छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे अकेले छोड़ना आसान होगा। कम ऑन आलिया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें छोड़ना आसान कैसे हो सकता है मेरे लिए? और आलिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आता जाता रहूँ, और जब तुम्हारा दिल चाहे 2-3 महीने के बाद तो मुझे मिलने के लिए आ जाया करना। जानती हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ दूँ। आलिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस इतनी सी बात, मुझे भी अब्बू की बहुत फिक्र रहती है, लेकिन अगर हर 4 महीने बाद हम नहीं मिले तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। I promise, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, हम 2-3 महीने के बाद जरूर मिलेंगे। अब निकल ही आए तो आइसक्रीम खिला दो। Sure. या अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हम अकेले हैं, परदेश में हैं और बहुत ख्वार है। कौन है? मैं माफी चाहता हूँ बहन जी। बहन जी, लाना थे तेरे ते बूटिया, 4 दिन में घर से गई, तूने निकाह ही तोड़ दिया। बहन जी बोल दिया, मुझे पागल ना हो। नहीं, ये तो मेरी बीनो है। I'm sorry, इनकी डेथ हो गई है। काला डोरिया कुंडे नल अड़िया यो एक छोटा